संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA के समर्थन में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आयोजित हालिया रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारे जाने की बहुचर्चित घटना पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है, जहां लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों ले रही है, तो वहीं राजगढ़ में थप्पड़ मारने वाली दोनों अफसरों के खिलाफ बीजेपी के दिग्गज नेता हल्ला बोल रहे हैं, साथ ही कमलनाथ की सरकार को ललकार रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए महिला कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि बीजेपी नेताओं को थप्पड़ मारने वाली दोनों महिला अफसरों को सम्मानित करेंगी। जानकारी के मुताबिक महिला कांग्रेस कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों CAA के समर्थन में रैली निकाल रहे बीजेपी नेताओं पर राजगढ़ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। प्रशासन ने इन लोगों को रैली निकालने की अनुमति नहीं दी थी। रैली निकाल रहे बीजेपी नेताओं से जिले की कलेक्टर निधि निवेदिता भिड़ गई थी, वो अकेले ही उनकी पिटाई करने लगी। वही डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा भी जब बीजेपी नेताओं की पिटाई करने लगी तो उनके साथ लोगों ने बदसलूकी की। इस दौरान उनके बाल भी खींचे गए और फिर ये मामला तूल पकड़ता चला गया, जहां एक पक्ष का आरोप है कि इतने बड़े पद पर रहकर सारी मर्यादाओं और कानून को भूलकर कोई भी अफसर कैसे किसी पर हाथ उठा सकता है। वही कांग्रेस महिला अफसरों के इस हरकत को सही बता रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अफसरों की तारीफ कर चुके हैं। बहरहाल ये मामला अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब कलेक्टर के इस थप्पड़ कांड को उनके बैकग्राउंड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल कलेक्टर को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रैली को संबोधित करते हुए काफी कुछ कह डाला। जानकारी के मुताबिक विजयवर्गीय ने कलेक्टर को JNU का वायरस तक बता दिया और बताया कि कलेक्टर साहिबा उसी कॉलेज में पढ़ी हुई है। हालांकि अभी यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिला अधिकारियों से बुधवार को जवाब तलब भी किया। कोर्ट ने राजगढ़ निवासी अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सूबे के मुख्य सचिव और राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता और अन्य सरकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि बीजेपी इस मामले पर सख्त एक्शन लेने के पक्ष में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महिला कलेक्टर का ये विवाद कौन सा नया रूप लेता है।